क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं? क्या एक बार फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ 2024 के चुनावी समर में कूदने वाले हैं, या फिर ये सब सिर्फ इंडी गठबंधन को सबक सिखाने के लिए हो रहा है? क्योंकि विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार जब पीएम फेस के लिए मझधार में फंस गए तो उन्होंने बीजेपी से नजदीकी बढ़ा ली और अब वो खेल करने जा रहे हैं, जिसकी उम्मीद शायद ही इंडी गठबंधन के साथियों को थी, क्योंकि बिहार में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन सीएम तो नीतीश ही बनेंगे। नीतीश कुमार की सियासत पिछले 10 साल में आढ़ी तिरछी चलती रही है, कभी बीजेपी के साथ सरकार तो कभी आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन की सरकार। बिहार की सत्ता भले बदलती रही हो, पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश ही विराजते रहे। 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी की ओर से केंद्र की सियासत में जोरदार एंट्री कराई गई, तो ये नीतीश को नागवार गुजरा। नाराज होकर नीतीश ने बीजेपी के साथ 17 साल का रिश्ता पल भर में तोड़ डाला। फिर शुरू हुई चुनावों की बारी, पहले 2014 का लोकसभा चुनाव, फिर बारी आई अगले साल यानी 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव की। बीजेपी से अलग होकर नीतीश आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन की दमदार सरकार बनाई। करीब 1.5 साल तक सरकार चलाने के बाद नीतीश ने 2017 में महागठबंधन छोड़ फिर से बीजेपी के साथ आए। 2019 का लोकसभा और फिर 2020 का विधानसभा चुनाव नीतीश ने बीजेपी के साथ लड़कर शानदार जीत दर्ज की। पर अगस्त 2022 में नीतीश फिर से पलटी मारकर आरजेडी और कांग्रेस से हाथ मिला ली। पर 1.5 साल बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि नीतीश के बीजेपी से हाथ मिलाने की बात हो रही है? तो इसे समझने के लिए हाल के कुछ महीनों की घटनाओं को जान लीजिए। बीजेपी के खिलाफ जुलाई 2023 में 26 दलों का गठबंधन बना, नाम दिया गया INTIA। इस गठबंधन के बनने से पहले सभी पार्टियों के नेताओं से 1-to-1 बैठक कर एकजुट करने की बड़ी पहल की। जेडीयू को उम्मीद थी कि नीतीश को विपक्षी गठबंधन में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, पर 5 बैठकों के बावजूद नीतीश को मायूसी ही हाथ लगी। नीतीश को लगा कि कांग्रेस और आरजेडी उनके खिलाफ सियासी चाल रच रहे हैं। हमको तो बहुत पहले से ऐसा एहसास रह रहा, इसीलिए हमने कहा है कि गठबंधन लगता है कि ताश के पत्ते की तरह से छिड़क जाएगा। तो क्या खेला हो गया जो आपने ट्वीट किया था, खेला हो गए? कोई भी आदमी समझ सकता है कि खेला हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस बीच एक खबर आई कि ललन सिंह आरजेडी से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। ललन जेडीयू को कुछ नुकसान पहुंचाते, ऐसी भनक मिलते ही नीतीश ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उनकी छुट्टी कर खुद पार्टी की कमान संभाल ली। नीतीश की आरजेडी के साथ तब से ही नाराजगी की खबर मीडिया में आती रही। नीतीश कुमार ने कांग्रेस की न्याय यात्रा को लीड कर रहे राहुल गांधी के साथ भी मंच साझा करने से इनकार कर दिया। इस बीच तमाम कयासबाजी के बीच नीतीश एक बार फिर अपनी पुरानी सहयोगी बीजेपी से हाथ मिलाने जा रहे हैं, ऐसी चर्चा तेज हो गई। पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई। पिछले 3 दिन के सियासी घटनाक्रम से लगने लगा है कि नीतीश एक बार फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।